पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में हर चीज का दाम बढ़ा है, बाकी देश में भी बढ़ा है, लेकिन आपके लिए वो दिक्कतें और ज्यादा हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस देश में दूसरे नंबर पर आपकी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी और महंगाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा लीथल होता है, और उसके चलते आपको जो दिक्कतें हुई है उसके बारे में मैं अगले 5-10 मिनट में जरूर बात करूंगी। पानी की किल्लत, महंगी बिजली, 65% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आर लाइंग वेकेंट एंड देयर इज नो प्लान टू फिल दीज गवर्नमेंट जॉब्स। बेरोजगारी सबको पता है, और उसके बाद 65% गवर्नमेंट जॉब्स खाली क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ एलजी और उनके दिल्ली में बैठे हुए आका दे सकते हैं। क्या चीजें सुधर गई, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बड़े बड़े दावे किए गए थे शांति के, अमन के, चैन के, यह अलग बात है कि जब 2024 का चुनाव आया तो जो शांति, अमन, चैन के बारे में अपनी ही डींगे हांकते थे वो ना श्रीनगर लड़ने लायक थे, ना अनंतनाग रजौरी लड़ने लायक थे, ना बारामूला लड़ने लायक थे, तो वो सब रण छोड़ के भाग गए। द रियलिटी इज दैट ऑल ऑफ दीज पीपल हु वर स्पीकिंग अबाउट पीस इन द वैली एंड इन जम्मू, दे डिड नॉट हैव द फेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन इन अनंतनाग रजौरी और श्रीनगर और बारामूला फॉर दैट मैटर। द रियलिटी इज दैट जम्मू एंड कश्मीर हैज रील्ड अंडर हाई प्राइसेस, रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, रैम्पेंट करप्शन, वाटर शॉर्टेज, वेरी वेरी हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी कट्स, इवन द प्राइवेट सेक्टर, इफ यू लुक एट द जॉब क्रिएशन बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड द वैल्यू एडिशन, इट इज लोअर देन लेवल्स ऑफ 2019। 2019 में प्राइवेट सेक्टर यहां पर निवेश ज्यादा कर रहा था और वैल्यू एडिशन ज्यादा कर रहा था। आज 65% सरकारी नौकरियां भी खाली हैं और प्राइवेट सेक्टर का निवेश और प्राइवेट सेक्टर का वैल्यू एडिशन भी निरंतर गिरता गया, आज 2019 के लेवल से नीचे है। स्कैम, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें स्कैम नहीं हुआ है? माइनिंग स्कैम, लिकर स्कैम, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज में स्कैम हुआ है। और हर चीज में स्कैम का सबसे बड़ा पहलू यह है कि आपके हक को लेकर दूसरे के हक को दे दिया गया है। सबसे बड़ा पहलू यह है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में यहां के लोगों का जो भागीदारी है, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन माइनिंग, इन लिकर, इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैज गॉन डाउन। और असलियत यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं बात शुरू करती हूं, ज्यादा डिटेल में अब बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट में, और यह मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है, जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट बाकी देश के एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट का डबल है। द अनएम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर इज ट्वाइस दैट ऑफ द नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट। द अनएम्प्लॉयमेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 years, आप में से यहां पर बहुत सारे युवा साथी हैं और आप जानते हैं कि 15 से 29 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भयावह होता है, वो 30% के आसपास है। महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट, आई सी सम वुमेन सिटिंग हियर, देयर आर टू ऑफ अस हियर ऑन द स्टेज, फॉरगेट अबाउट 28.6% इन फॉर यूथ, 48.6%, ऑलमोस्ट 50% अनएम्प्लॉयमेंट फॉर यंग वुमेन हु शुड बी विद जॉब्स। 65% गवर्नमेंट पद जो मैंने आपको कहा वो खाली पड़े हुए हैं। 60,000 डेली वेज अर्नर्स आज भी 15 साल से 300 रुपए दिन का कमा रहे हैं और वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग में है, वो पावर डेवलपमेंट में है, वो क्रूशल चीजों में है, और ये संविदा कॉन्ट्रैक्ट की उनकी नौकरी चलती जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में करीब करीब 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए, और ये 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट देकर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज थी वो किसी और को दे दी गई। जो नौकरी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलने चाहिए थे, यहां के लोगों को मिलने चाहिए थे, ये इंश्योर किया गया कि वो किसी और को मिले। ये 12,000 लोग जिनको होम डोमिसाइल यहां की दी गई, वो कौन लोग हैं? करप्शन की बात करते हैं, क्योंकि करप्शन की बात करनी जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, माइनिंग, लिकर, कंस्ट्रक्शन, और करप्शन के चार्जेस हमने नहीं लगाए हैं, करप्शन के चार्जेस यहां के पूर्व गवर्नर, जिनको इन्होंने अपॉइंट किया था बीजेपी ने, सत्यपाल मलिक ने करप्शन के चार्जेस लगाए, और करप्शन के चार्जेस लगाने का उनको इनाम यह मिला
कि उनके घर पर आज भी रेड होती है। यही नहीं, अशोक कुमार पमार जो रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने करप्शन के रैम्पेंट चार्जेस लगाए रिक्रूटमेंट स्कैम्स में, जल जीवन मिशन में, और उनके ऊपर भी रेड होती है। और उन्होंने तो सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग करी थी जो अभी तक नहीं।